होली का फेस्टिवल रंगों के बिना कुछ अधूरा अधूरा सा है, लेकिन अगर रंगों के साथ साथ एक घर में बनी हुई बढ़िया सी बिना किसी प्रिजर्वेटिव की बिना एक्स्ट्रा शुगर की ठंडाई पीने को मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक इंस्टेंट ठंडाई मसाला की रेसिपी, जिसे आप घर में बहुत आराम से पहले से बना सकते हैं और उसे स्टोर कर सकते हैं, और होली के दिन आप फ्रेशली ठंडाई बना सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा बनाने में। सो वेलकम टू नूपुर्स किचन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी हिट करिएगा। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून बादाम, 2 टेबलस्पून काजू, 1 टेबलस्पून पिस्ता, आप 2 भी ले सकते हैं, 2 टेबलस्पून मगज के बीज मीन्स मस्क मेलन सीड्स, 1 टेबलस्पून कद्दू के बीज या फिर जो पम्पकिन सीड्स होते हैं, एंड 4 टेबलस्पून पॉपी सीड्स। पॉपी सीड्स इस मसाले का मेन इंग्रेडिएंट है, तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। पॉपी सीड्स या पोस्ते दाने हम लोग बोलते हैं इसको। उसके बाद मैं उसमें डालूंगी 1 चम्मच सौंफ, मोटी या पतली कोई भी, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च, 3 से 4 इलायची मीन्स कार्डमम, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का मीन्स सिनेमन, और कुछ गुलाब के सूखे हुए पत्ते। अगर ये नहीं है तो आप गुलकंद यूज़ कर सकते हैं लास्ट में, और थोड़ा सा जायफल, मैं बोलूँगी शायद 1/4 टेबलस्पून या पिंच ऑफ जायफल, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ये हमारा ठंडई पाउडर का मिक्स रेडी हो चुका है। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे ड्राई ग्राइंडर जार में और इसको एक पाउडर बनाएंगे जो कि थोड़ा सा दरदरा होगा। ग्राइंड करते वक्त आपको ध्यान देना है कि हम इसे कंटिन्यूसली नहीं चलाएंगे अपने मिक्सर को, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो जो नट्स एंड सीड्स हैं वो अपना ऑयल छोड़ देंगे और ये पेस्ट बन जाएगा। तो जो पल्स मोड होता है लेफ्ट हैंड साइड में, आप पल्स मोड पे करके उसको धीरे धीरे ग्राइंड करिए और उसे निकाल के एक एयर टाइट कंटेनर में आप आराम से स्टोर कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें गुलाब के पत्ते ऊपर से भी डाल दे रही हूँ जिससे कि जो फ्रेशनेस है वो बनी रहे। आप देख सकते हैं ये ठंडाई मसाला का टेक्सचर कैसा है, थोड़ा सा ये दरदरा है। मैंने आपको एक क्लोजअप फोटो भी दिखा दी है यहाँ पे। और अब इस इंस्टेंट ठंडाई मसाला से हम बनाते हैं एक इंस्टेंट ठंडी ठंडी सी ठंडाई। उसके लिए मैंने सेम जार यूज़ किया है जिसमें मैं 1/2 लीटर मिल्क ऐड कर रही हूँ, फुल क्रीम मिल्क, और थोड़ी सी बर्फ़ ऐड कर रही हूँ, और थोड़ी सी केसर जो मैंने भिगा के रखी थी दूध में, मैं वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें अराउंड 2.5 टेबलस्पून ठंडाई मसाला डालूंगी और 1.5 टेबलस्पून शुगर। शुगर आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसको एक बार मिक्सर में मिक्स करने के बाद मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक ग्लास में, और हमारी इंस्टेंट ठंडाई मसाला से बनी हुई इंस्टेंट ठंडाई इंस्टेंटली रेडी है। और इसको कर देते हैं थोड़ी सी गार्निशिंग, जो कि मैंने किया है चॉप्ड पिस्ता से, कुछ गुलाब की सूखी पंखुड़ियों से, और थोड़ा सा केसर ऊपर से। जो मैंने इसमें ड्राइड रोज़ पेटल्स यूज़ किए हैं वो मैंने अमेज़न से परचेज़ किया था। मैं अपने काफ़ी वीडियोस में ये यूज़ कर रही हूँ आजकल, आई एम लिटिल एडिक्टेड टू दिस। मैं आपका लिंक इसका दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ठंडाई के ऊपर मैंने थोड़ा सा ठंडाई मसाला भी डाला है, वो एक्स्ट्रा किक के लिए। और ये बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही इजी सी रेसिपी है। आई एम श्योर अगर आप ये बनाते हैं तो आपको ये बहुत पसंद आएगी, आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके फ्रेंड्स फैमिली जो भी अगर आपको होली में विजिट करते हैं, आप उनके लिए भी ये तुरंत बना सकते हैं। सो डू ट्राई दिस रेसिपी। मैं आपको इसका एक बार फ्लो भी दिखा देती हूँ कैसा है। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसी दिख रही है हमारी ठंडाई, और मेरा एकदम मन कर रहा है कि मैं इसको जल्दी से पी लूँ। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। अपने कमेंट्स में ऐसा ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं लाइक बटन को हिट करिए और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड इसी के साथ आई होप हम सबकी होली बहुत अच्छी हो। हैप्पी होली टू यू एंड योर फैमिली, स्टे सेफ।